अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अलराजी बैंक का एप्लीकेशन है वो अपडेट कर दिया गया है। उसका अंदर का जो भी सिस्टम था पूरा प्रोग्राम यानी हर चीज़ पूरा बदल गया है। अब आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे या फिर आपको किस तरीके से मोबाइल रिचार्ज करना है। तो आपको मैं बताऊँगा आज की वीडियो में कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यानी ए टू जेड पूरा उसका फ्यूचर बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जैसे आप पैसा किस तरह ट्रांसफ़र करना होगा, वो ऑप्शन कहाँ पर है, या फिर रिचार्ज करना है, या फिर हर चीज़ के बारे में बताऊँगा कि एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना अलराजी बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। जब आप पहली बार अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, देख सकते हैं अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि आगे इसका क्या क्या प्रोग्राम चेंज हुआ है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना। चलिए हम यहाँ पर जो अपना पासवर्ड है यहाँ पर इंटर करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इस पर फ्यूचर किस तरह से चेंज हुआ है और ये अपडेट हुआ कि नहीं। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तो आपको अपडेट भी करना पड़ेगा और आपको इसमें दिखाएगा अपडेट करने का नहीं, कुछ सब आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। लॉगिन पे क्लिक करता ही इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो लॉक मांग रहा था, यहाँ पे मैं अपना जो लॉक यहाँ पर दे देता हूँ फिंगरप्रिंट वाला। और लॉक देने के बाद फिर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, यहाँ पर हमारा आईडी एक्सपायर भी दिखा रहा। तो यहाँ पर पहले इसको हम इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर हम कट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको रिमेंबर मी लेटर पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से अभी दिखा रहा था, हमारा जो अभी अपडेट नहीं हुआ तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, आपका भी इसी तरह अभी दिख रहा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको सीधा यहाँ से होल्ड करेंगे, नीचे यहाँ पर होल्ड करेंगे, ये पुराना वाला भी है। यहाँ पे हम सीधा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर पर यहाँ पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर हम सर्च करेंगे सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है अलराजी बैंक, यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट मांग रहा है, यहाँ पर अपडेट का सामने आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं आप सीधा अपडेट पर क्लिक करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अभी आपको अपडेट करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका फ्यूचर क्या क्या है और किस तरीके से पूरा चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो रहा है, पहले मैं वीडियो थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि ये अपडेट हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, अब यहाँ पर इंस्टॉलिंग दिखा रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वीडियो बने रही है, देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन हट चुका है, अब यहाँ पर सीधा ओपन दिखा रहा है। तो हम सीधा यहाँ पे इसको ओपन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर आपको ये एप्लीकेशन आपको दिखेगी किस तरीके से, देख सकते हैं अभी ये कुछ इस तरीके से होगी, थोड़ा पूरा अलग ही हो गया पूरा, ये ओपन भी अलग ही तरीके से होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है फुल डिजिटल एक्सपीरियंस, आपको पूरा ये डिजिटल दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको आगे का ये पूरा फ्यूचर दिखेगा क्या क्या ऐड हुआ, यहाँ पर हम सीधा चाहते स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पर नेक्स्ट करके दिखाता हूँ आगे क्या कहता है, यहाँ पर सीधा मैं नेक्स्ट में यहाँ पर क्लिक करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, यहाँ पे फाइनेंस ट्रांजेक्शन पूरा दिखा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे एटीएम कार्ड का दिखा रहा है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स फॉर ऑल और यहाँ पर फिर हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अलराजी बैंक का एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं। और अभी पूरा इसका लुक जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन। तो यहाँ पर जो हम लॉगिन करेंगे अपना, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे पहले का सिस्टम था कि एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ओपन न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन आता था अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, तो अब ऐसा नहीं आएगा। आप यहाँ पर आपको देखेगा बिकम ए मेंबर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है अकाउंट ओपन करने के लिए। मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है बिकम ए मेंबर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पूछेगा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, आपको यहाँ पे कंफर्म करके आगे का पूरा प्रोसेस करके अपना अकाउंट आप बना पाएंगे। ये पहला तरीका आपको बता दिया हूँ कि ये अपडेट हो चुका है, इस तरीके से आपको ये करना है। तो अकाउंट बनाने के लिए ये तरीका है, बाकी आगे का प्रोसेस जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं ओपन किया नहीं, अगर ओपन करता तो आपको बताता कि आगे का अंदर से कुछ चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको सीधा कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे अकाउंट अभी बनाना नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अपडेट क्या क्या हुआ है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट क्विक लॉक, यहाँ पे लॉगिन, तो आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन मुझे अभी नहीं करना, सीधा यहाँ पर मैं स्किप कर दूँगा। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इस तरीके से दिख रही है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मौका पॉइंट एकदम ऊपर दिख रहा है हमको और यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है यहाँ पे हाइड है, तो यहाँ पे दिखे इस तरह दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जो बैलेंस शो करने के लिए। तो देख सकते हैं हमारा बैलेंस भी इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, माई यहाँ पे लिखा हुआ है माई फाइनेंस मैनेजर, यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पर बाकी जो फ्यूचर है पूरा बहुत ही अलग हो गया, बहुत ही रंगीन हो गया देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट का जो पूरा डिटेल यहाँ पर रहेगा, जैसे मेरा बैलेंस, और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा इसे, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर आई बी एन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर कैश विड्रो वाला भी देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है मोर, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी तो थोड़ा मिलता जुलता भी है बाकी, लेकिन थोड़ा अलग भी है। तो यहाँ से हम इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं मेरा दूसरा अकाउंट यहाँ पर है, इसका यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखा रहा है।
तो नीचे आपको यहाँ पर देखिएगा आपका डिजिटल कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे डिजिटल कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से मैं यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको देखिएगा देख सकते हैं गेट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे डोनेट करने का जो ये तो पहले से पुराना जैसा है, ये तो लास्ट वाले में ये दिखा रहा था। और इसके नीचे देख सकते हैं आवर लिखा हुआ है, पार्टनर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे आपका मुगाफो पॉइंट भी दिखेगा, यहाँ IPO और यहाँ पे गोल्ड वॉलेट, ये सब हमको अंदर दिख रहा था, यहाँ पे अभी बाहर यहाँ पे शो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर, लिखा हुआ है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे सब कर पाएंगे। और यहाँ पे ट्रांसफर वाला ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये थोड़ा मिलता जुलता है, ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ट्रांसफर करने के लिए आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू ट्रांसफर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नया ट्रांसफर है आप यहाँ पे कर पाएंगे, जैसे बेनिफिशियरी वगैरह ऐड करना है किस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा न्यू ट्रांसफर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू ट्रांसफर, देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ वन टाइम ट्रांसफर, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा हुआ है रिसेंट, यहाँ पे अलराजी लोकल, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे करना चाहेंगे देखेंगे और क्या है, यहाँ पे माई अकाउंट के बारे में आपको दिखेगा यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटरनेशनल भी यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा, URP के लिए भी आप यहाँ से ट्रांसफर कर पाएंगे, ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब पूरा दिखेगा देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इंटरनेशनल पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी पहले से बेनिफिशियरी है ऐड है वो तो ऐड है पहले से, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड दिखा रही बेनिफिशियरी इस तरीके से। तो अगर आपको नई बेनिफिशियरी ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और प्लस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए आपको कंट्री पर क्लिक करना है, और यहाँ पर बाकी डिटेल आपको सेम दिखेगा, यहाँ पर आपको कंट्री वगैरह चूज़ करना है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं का भी बेनिफिशियरी ऐड करना है आपको, कंट्री आपको यहाँ पर ढूंढ के उसके बाद फिर बाकी का डिटेल आपको डालना पड़ेगा और ये बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगी यहाँ से। तो मैं आपको दिखा दिया हूँ देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं बाकी आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। मैं यहाँ पे अब बैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ बाकी और क्या है इसके अंदर, यहाँ से हम बैक कर देंगे पूरा बाहर। और यहाँ पर हो गया न्यू ट्रांसफर, यहाँ पे हो गया न्यू बेनिफिशियरी देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा गिफ्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर, बाकी ये सब कम्युनिटी सर्विस ये सब पहले से था लेकिन थोड़ा इसका लुक जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। और जो हमको पहले बेनिफिशियरी चेक करने वाला ऑप्शन था जो माई बेनिफिशियरी, नाम तो वही है लेकिन थोड़ा लुक इसका भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास कौन कौन सी बेनिफिशियरी ऐड है, किस किस बैंक की है, यहाँ पे आप चेक करने का ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे अलराजी बैंक की बेनिफिशियरी ऐड चेक करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लोकल बैंक बेनिफिशियरी यहाँ से चेक कर पाएंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल बेनिफिशियरी और URP की बेनिफिशियरी, ये सब आप यहाँ पे आराम से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको बैक करेंगे और मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इतना ही है, अब हम यहाँ पे जाएंगे पेमेंट के ऊपर, यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसका भी लुक कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे डू यू नॉट हैव एनी, तो यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक करता है एक बार तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू बिल, यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पहले आपको पता है यहाँ पे अपना वाईफाई का बिल, लाइट बिल यहाँ पे आप कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पेमेंट कर सकते हैं, ये सब बाकी आपको पता ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा फंक्शन थोड़ा चेंज हो चुका है इस तरीके से। आप जाएंगे यहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर, मार्केट के ऊपर मार्केट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी दिखा था पहले, इस पर फोटो दिखा रहा था, थोड़ा अलग हो गया अभी, आईफोन खरीदना है या फिर कार के बारे में कुछ जानकारी है सब, वॉच यहाँ पे है देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल के ऊपर, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे और बाकी इसमें क्या क्या आपको दिखेगा, सॉरी यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया है, यहाँ से हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पे हम ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आईफोन के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आईफोन का पूरा दिखेगा, कार के बारे में, वॉच के बारे में, गेमिंग, यूज़ कार्ड, एप्पल, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नो एंड इंटरनेट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता ही होगा टेक्नो इंटरनेट क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज के बारे में पूरा है, जैसे यहाँ पे सवा का रिचार्ज आपको चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सवा, वर्जिन, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैन, हर एक सिम का रिचार्ज है, बाकी आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा कौन कौन सा सिम यहाँ पे रिचार्ज जो है अवेलेबल है, तो बहुत सारा रिचार्ज है। तो रिचार्ज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्केट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप मार्केट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सी ऑल के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा लिखा हुआ है टेक्नो एंड इंटरनेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी रिचार्ज करना है आप यहाँ पे कर पाएंगे, जैसे STC या कोई भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाया था पहले ही यहाँ पे अजैन और वर्जिन, यहाँ पे हर एक सिम का यहाँ पे रिचार्ज अवेलेबल, यहाँ से आप कर पाएंगे। अब यहाँ से बैक करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग वाला भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे करने के लिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कार्ड परचेस करना है, जो भी है वाउचर वाउचर यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कुछ यहाँ पे है देख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे फूड वगैरह यहाँ पे है, कार सर्विस है, और देख सकते हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है देख सकते हैं, ये सब पुराना ही है बाकी थोड़ा लुक चेंज हुआ है। तो यहाँ से आप कर पाएंगे अपना सिम कार्ड रिचार्ज और इंटरनेशनल जो बाकी आपको ट्रांसफर, इंटरनेशनल ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है
आप यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी पे भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू बेनिफिशियरी क्लिक करके यहाँ पे आप नई बेनिफिशियरी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करना है तो इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे। बाकी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको देख लेना है। बाकी यहाँ पे कंट्री वगैरह डाल के, करेंसी वगैरह डाल के आप बेनिफिशियरी बाकी ऐड करने का जो प्रोसेस है वो डाल देंगे यहाँ पे, तो पूरा आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेनिफिशियरी ऐड करने का अभी ये तरीका क्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए बेनिफिशियरी ऐड करने का तरीका बताने के लिए, तो मैं बहुत जल्दी से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि बेनिफिशियरी ऐड कैसे करेंगे नए वाला अपडेट आने के बाद।